जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए, हम स्पॉटिंग एरर के सीरीज़ में हम लोग आज 21 से आपका 30 आज के सेशन में भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे स्पॉटिंग एरर के। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 11 से 20 तक 20 नंबर तक हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर किया था। आज हम लोग 21 से 30 नंबर तक स्पॉटिंग एरर को करेंगे। हम लोगों का 5 से 6 सेशन तक रहेगा, अर्थात 50 से 60 क्वेश्चन तक हम लोगों का स्पॉटिंग एरर टेंस से रहेगा, ठीक है। ये टेंस का स्पॉटिंग एरर चल रहा है, अर्थात टेंस में किस प्रकार के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज दिया हुआ है, आई हैव पास्ड दिया हुआ है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पे एगो दिया हुआ है, तो हम लोग एगो के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट चलता है एगो के लिए, एगो के लिए सिंपल पास्ट चलता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल पास्ट को देखेंगे, तो सिंपल पास्ट होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट, अर्थात यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए और वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं होगा, आई पास्ड द एग्ज़ामिनेशन 2 ईयर्स एगो, क्योंकि एगो आया हुआ है तो ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 22 नंबर, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। तो ध्यान दीजिए, इसका है, जब से वह इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, उसने कोई भी ब्राइब नहीं लिया। ब्राइब मीन्स होता है घूस, ना, ब्राइब मीन्स क्या होता है भाई, घूस होता है, जो हम लोग घूस ले लेते हैं, जो लोग ले लेते हैं घूस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, उसके बाद नहीं लिया है, तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, अर्थात सिंस के बाद जो भी स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हो जाएगा, अर्थात ये जो सेंटेंस होगा हमारा सिंपल पास्ट में होगा, और अगला वाला जो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही हैज नॉट, तो यहाँ पे डिड की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, हैज नॉट टेकन हो जाएगा, हैज, डिड कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज नॉट, और यहाँ पे टेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, टेकन। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड ना ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, तो यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि सिंस से जो भी ज्वाइंड होगा, पहला सेंटेंस जो होगा वो पास सिंपल पास्ट में होता है, और दूसरा सेंटेंस जो होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, जब सिंस से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। देखिए, तो आप एग्जामिनेशन 1990 में पास कर दिए हैं, समय दिया हुआ है, और समय ये पास्ट का दिया हुआ है, तो हम लोग इसको फ्यूचर परफेक्ट में नहीं दिखाएंगे, पास्ट में ही दिखाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा। तो जो दिया हुआ है आई हैव पास्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आई पास्ड, हैव नहीं होगा,
यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म चलेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परहैप्स यू नो दैट आई हैव नहीं होगा, यहाँ पे पास्ड हो जाएगा, ठीक है, हैव कट जाएगा, इसमें बी में आपके एरर था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन, बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन। तो ही हैज रेड 4 प्लेज, वह 4 प्लेज, 4 प्लेज माने कहानियाँ ना, वह 4 कहानियाँ पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, अगर इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो पढ़ चुका है, बाय द शेक्सपियर, शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई 4 कहानियों को ये पढ़ चुका है, बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन अर्थात इस छुट्टी के अंत तक, पढ़ चुका है नहीं पढ़ चुकेगा ना, क्या होगा पढ़ चुकेगा, कह रहा है इस वेकेशन के अंत तक पढ़ चुकेगा। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग लेके चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ही हैज़ रेड जो है, यहाँ पे ही हैज़ रेड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ही विल हैव, ही विल हैव हो जाएगा, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा विल हैव, सॉरी विल हैव, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो दिया हुआ है ही हैज नहीं होगा, विल हैव हो जाएगा, ही विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय द शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 25 नंबर है हमारा, 25 नंबर में हम लोग देखते हैं व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ भाई, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वेयर डिड दे से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, लेकिन यहाँ पे व्हेन के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया है, अर्थात यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा when did they steal हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, steal, क्योंकि steal फर्स्ट फॉर्म है इसका, तो when did they steal हो जाएगा, यहाँ पे stole नहीं होगा, अर्थात फर्स्ट में करेक्शन था, इसमें फर्स्ट वाला एरर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे when did they steal the money and where did they hide it, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे देखेंगे तो पहले में दिया हुआ है द टीचर, यहाँ तक कोई गलती नहीं, हैज टुक, यहाँ पे देखिए हैज लगा हुआ है, और हैज या हैव या हैड, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म चलता है, क्या चलता है भाई, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे टुक नहीं होगा, यहाँ पे टुक नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे टेकन हो जाएगा, यहाँ पे टेकन, ठीक है। तो ये गलती थी इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फार टाइम इमेमोरियल, तो यहाँ पे फार टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज, यहाँ पे देखिए टाइम इमेमोरियल आया हुआ है, टाइम इमेमोरियल क्या दिखाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, इमेमोरियल माने प्राचीन समय से ना, तो टाइम इमेमोरियल प्राचीन समय से, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं भाई, सिंस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फार नहीं होगा, फार नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका भाई यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रिवर इज इन स्पेट, स्पेट माने होता है बाढ़ पे या तूफान पे, मतलब जब नदियाँ तूफान पे होती हैं या बाढ़ पे होती हैं तो उसको बोलते हैं इन स्पेट। तो द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन, तो ध्यान दीजिए इट्स बैंक्स। तो पहले सेंटेंस में आपको पहले ए में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन। आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो ओवरफ्लोन है, ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा। क्या होगा भाई? ओवरफ्लोड होगा। तो यहाँ पे ये ओवरफ्लोन में गलती है, तो यहाँ पे होगा ओवरफ्लोड, तो ये आपके बी में गलती है। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अ लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सीन्स अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा होगा द लिटिल बॉय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, वह अपने समय का इंतज़ार कर रहा था, अपने बारी का इंतज़ार कर रहा था। सीन्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, और अ लॉन्ग टाइम के साथ हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, सीन्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अ लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग सीन्स का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। तो आपका इसमें सी में गलती था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस टीवी सीरियल इज़ गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। तो ध्यान दीजिए इस पूरे सेंटेंस में लास्ट में 3 ईयर्स दिया हुआ है, अर्थात टाइम का मेंशन किया गया है। जब टाइम का मेंशन किया जाता है तो हम लोग या तो परफेक्ट में इसको बनाते हैं या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है कंटीन्यूअस में, तो हम इसको किस में बदल लेंगे? परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल लेंगे। तो दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन हो जाएगा यहाँ पे, हैज़ बीन गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे इज गोइंग ऑन की जगह पे हो जाएगा आपका हैज़ बीन गोइंग, हैज़ बीन गोइंग। ठीक है, तो इज गोइंग की जगह पे हो जाएगा हैज़ बीन गोइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है फॉर 3 ईयर्स। इस तरह से आप लोगों के ये 10 क्वेश्चन का स्पॉटिंग एरर का सेशन ख़त्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।